आज दिनांक 23 जुलाई 2020 को दोपहर 2 बजे 5 डलिए की मिट्टी सेवा परमार्थी श्रमदान सेवा प्रारंभ हो चुकी है। स्वामी जी महाराज अपने रथ पर विराजमान होकर आ चुके हैं और कुछ ही पल में स्वामी जी महाराज कुछ संदेश देंगे। आइए चलते हैं स्वामी जी महाराज के पास। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, प्रभु का प्रभु का जय गुरुदेव। बोलिए। हाँ हाँ मिट्टी सेवा जहाँ हो रही है ले आइए। इसका समय से लाभ ले लें, कितनी छोटी सेवा कितना बड़ा लाभ। दोपहर में आप 5 डलियों का कितना बड़ा लाभ। उधर चला, उधर उधर। सारे हिंदुस्तान में हलचल मची हुई है, ये 5 डलिये का मतलब क्या? इतनी छोटी सेवा क्यों रखी गई, जबकि सुबह शाम तक प्रेमी 50 डलिया डाल रहा है, लेकिन दोपहर में ये 5 डलिया की सेवा क्यों रखी गई? आप सबको विचार करना चाहिए। जो भी कार्य यहाँ भी भूमि पर किया जाएगा, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, इस तपोभूमि का लाभ आप सबको मिलने जा रहा है। हेलो, आज तक तपोभूमि पर किसी ने कोई परमार्थी कार्य नहीं किया, स्वार्थी सेवा तो सभी कर रहे हैं, परिवार बाल बच्चों की सेवा स्वार्थी सेवा, समाज की सेवा स्वार्थी सेवा, देश की सेवा स्वार्थी सेवा, लेकिन परमार्थी सेवा का अर्थ क्या है और कितना बड़ा इसका लाभ है? ये तो जब प्रेमी सेवा में शामिल शरीफ होगा उसको खुद ही पता चल जाएगा इस परमार्थी सेवा का मतलब क्या है। आप सब लोग अपने टेंट डेरे रात्रियों में आराम न फरमाए, तत्काल चले और इस सेवा का लाभ ले लें, क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद ये सेवा समाप्त हो जाएगी, तब तुम सबको प्रसाद वितरण हो। सुबह डाली आपने और ये 5 डलियों के सेवा के बाद महाप्रसाद है, ये क्या है इसको भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जब तुम कोई सेवा को करोगे तुम्हें खुद ही एहसास हो जाएगा ये 5 डलियों की सेवा का महत्व कितना बड़ा है। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। प्रेमियों,
ये सुनकर बहुत बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं। ये पांडलिया सिर पर रखने का आदेश है। देखो ये जो सिर पर तुमने पाप का गट्ठर लादा है अभी तक भेजे नहीं। जब ये तपस्वियों की ये तपोभूमि की मिट्टी जब आप सिर पर रखोगे तमाम पाप कर्मों से छुट्टी मिल जाएगी। ये सिर का बोझा हटाना है, थोड़ा सा ये बोझा रखकर कितने भारी पाप के बोझे से आप थोड़ी हाई छुट्टी मिल जाएगी। के पास जाओ, चलो 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 प्रारंभ है। अभी दिखा आप सब लोग उसका लाभ ले लें। यहाँ बैठो, देखने वाले हैं बड़ा बड़े आश्चर्य कर रहे हैं कि हजारों किलोमीटर से चलकर हजारों रुपए किराए भाड़े में खर्च के यहाँ मिट्टी ढो रहे हैं। मिट्टी का मतलब क्या है? मैंने इशारे में कहा था एक दिन तुम्हारा शरीर भी मिट्टी हो जाएगा। इस शरीर को मिट्टी में मिलने के पहले ऐसी कोई परमार्थी सेवा मिल जाए जिससे हमेशा का ये आवागमन, फिर मिट्टी में मिलने की बात समाप्त हो जाए। धीरे धीरे जब आप सेवा में लगोगे तो सब समझ में आ जाएगा। दुनिया के लोग देखते रह जाएंगे तुम अपना काम बना, क्योंकि उनको तो मिट्टी दिखाई दे रही है, उनको परमार्थ छिपा है ये नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए सेवा का लाभ लो और अपने भारे से भारे पाप कर्मों को उतारो। जहाँ तुम मिट्टी डाल रहे हो वहीं पर आध्यात्मिक भव्य मार्ग बनेगी, जहाँ पर भविष्य में आने वाले करोड़ों लोग उसका लाभ उठाएंगे। ये मिट्टी नहीं है, आप न्यू डाल रहे, बगैर मिट्टी के इमारत कहाँ खड़ी की जाएगी? जब कभी आओगे देखोगे यही कहोगे जब ये इमारत बन रही थी मैंने इसमें पांडलिया मिट्टी डाला या मैंने परमार्थी सम्मान सेवा की थी। ये तो हमेशा आपको याद रहेगा। जो लोग आएंगे उनके सामने जो तुम कहोगे मैंने इसमें अपने सिर पर टोकरी रखकर मैंने मिट्टी डाली है तो लोग कहेंगे बड़े भागशाली श्रमदान मुझको तो सौभाग्य फेसबुक पर इस मिट्टी पर कितनी आध्यात्मिक लाभ मिलाने वाली इमारत बनी गई। और जब तक इमारत की ईंट रहेगी तुम्हारा लाभ हमेशा चलता रहेगा। जितने करोड़ों लोग आने वाले भविष्य में यहाँ पर सेवा करेंगे भजन करेंगे वो लाभ तुम्हारे खाते में आएगा। या मिट्टी से कोई इतना बड़ा लाभ दे सकता है? मिट्टी का इतना बड़ा लाभ कोई दिला सकता है? आपको इस पर विचार करना चाहिए। चलो चलो जल्दी चलो दौड़ के आओ अपने अपने ट्रेन डेरे लाठियों से निकल कर इस मैदान में आ जाओ। इसी मैदान में 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी। ये तपोभूमि है, उसी तपोभूमि पर आज आपको परमार्थी सेवा का अवसर मिला है। जब से ऋषियों ने तपस्या की आज तक भूमि पर किसी ने परमार्थी लाभ न कमाया है न कमाने के लिए कोई युक्ति बताई है। जय गुरुदेव। सिर पे रखो, सिर पे पाप पूजा सिर पे लगा उसे हटाना है। ये मिट्टी कितना बड़ा काम करेगी, क्योंकि ये मिट्टी ऋषियों की तपोभूमि, उन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या की लेकिन मैंने इसका लाभ नहीं दे पाए, क्योंकि उस समय संत महापुरुष नहीं आए थे। परमार्थी लाभ तो संत महापुरुषों के पास, वो की छोटी सी सेवा बड़ी सेवा कैसे दिला दें, कैसे काम बना दें। आपको अपने काम के बनने की हमेशा लौ लगानी चाहिए। चलो चलो जल्दी चलो
देर मत करो, परमार्थी सेवा का समय निकला जा रहा है। आप जल्दी से आकर अपना यह अभियान पूरा करें और महाप्रसाद पाकर अपने अपने जय प्रभु का प्यारा नाम जय गुरुदेव। प्रभु कलयुग कितना खराब है, कलयुग में खराब खान पान, खराब देखना सुनना, खराबी संग सोबत, खराबी कर्म आपने किए हैं, उनकी अदायगी किसी होगी। जब कोई परमात्मा सेवा कराने वाला इस धरती पर आएगा वो सेवा के द्वारा जो सेवा करेंगे वो समझते हैं। दूर दूर रहने वाले ना कभी घर आए हैं ना कभी घर पास सके, आप तेरे कितनी लोगों सेवा कमजोर से कमजोर वृद्ध से वृद्ध पुरुष भी इस सेवा का कर सकता है। आप जल्दी से इस अभियान को पूरा करें और परमात्मा का नाम बदलो। ये थोड़ा बंद कर लेते हैं। Yeah.
परमार्थी सेवा का लाभ फैला दिया जाए। आपसे कहा गया था अगर मेरे बच्चों को कोई कठिनाई देगी तो मैं बहुत सरल कर दूं। ये पांच नदिया सेवा से सरल और कोई नहीं है। अगर ये भी नहीं कर सकते हो फिर आप अपनी जीवात्मा के लिए पूछे। प्रभु का प्यारा नाम जय गुरुदेव। काम करते रहो, नाम जपते रहो। योगी जवान से आप कुछ नहीं कर रहे हो, जवान से शरीर से परिवार की सेवा की, समाज की सेवा, देश की सेवा किया, लेकिन वो सब स्वार्थी से। ये परमार्थी सेवा जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं, अरे परमार्थी सेवा क्या? और परमार्थी पाना मानव जीवन का सबका कर्म है। कितनी तेजी से मारा दी गई, इसमें कोई भी परेशान नहीं कर सके। चलो चलो जल्दी चलो, गांव जाओ, परमात्मा संतान सेवा प्रारंभ है। आप लोग सबसे उसका लाभ उठा लीजिए, नहीं तो एक काम पूरा हो जाएगा, आप जागते जागते रह जाएंगे, फिर आपको क्या मिलेगा? दुनिया के लोग केवल तमाशा देखते हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा ये हजारों किलोमीटर से चलकर हजारों रुपए किराए भाड़े में खर्च करके यहाँ मिट्टी क्यों ढो रहे? मिट्टी ढोने का मतलब क्या? मिट्टी से तुम्हारा आशा क्या है? मिट्टी से तुम्हारा तात्पर्य क्या है? अगर मिट्टी से काम हो जाए तो इसके सरस कोई सेवा नहीं, कोई पैसा आपका खर्च नहीं हो रहा, किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है। केवल सिर पर मिट्टी रखो और सिर को हल्का करो। अभी आज कितने दिन सिर दर्द हो रहा, बड़ी जोर से माइग्रेन हो गया, ये हो गया वो गया, हमने कहा पांच डलिया आप डालिए और माइग्रेन खत्म, ये कुछ नहीं रहेगा। समझा करो इशारों को, इशारा समझ जाओगे लाभ आसान हो जाएगा, जो कठिन है वो सरल हो जाएगा आपके। चलो 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 प्रेमियों, ये किसी युग में परमार्थी सेवा नहीं कराई गई। सतयुग त्रेता द्वापर तीन युग निकल गए, लोगों ने इसको समझा नहीं था। हाँ मथुरा में तो सेवा का अभियान चलाया गया, लेकिन वो भी लोगों ने समझ नहीं पाया, उससे भी बहुत चले गए। अब ये सेवा दोबारा नहीं कर सकेंगे।
जिन्होंने दरबार छोड़ा है, गुरु को छोड़ा है, गुरु की दया का दर छोड़ दिया है, उनको ये लाभ कोई मिलने वाला नहीं है। ये दोबारा ये अवसर मिल गया है कि चलो थोड़ी छोटी सी सेवा करके अपना भूल मिटा लो, शंका संदेह मिटा लो, निसंकोच जब सेवा करोगे उसका फल तत्काल मिलता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका, जय गुरुदेव, नाम किसका। ये बोरी सिर पर क्यों नहीं रखती, बोरी सिर पर रखो, ये सिर पर रखने का मतलब अलग है, तुम्हारी तमाम बीमारियां हटाई जा रही, तुम वहां ले ही नहीं जाओ। बात को समझा करो, अपनी मनमानी मत करो, अरे कम ले जाओ, थोड़ी ले जाओ, लेकिन सिर पे रख लिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब सिर पर भार रखा जाता है, सारा शरीर एक्सरसाइज करता है, सारे शरीर की नसें चलती है, जो ब्लड रुका हुआ है जमा है, जिससे तमाम तरह की परेशानियां आपको पैदा हो रही है, वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगी। इतनी छोटी सेवा से इतना बड़ा लाभ, ये तो शरीर की सेवा का लाभ है, लेकिन जो आप तमाम युगों से पास कर कर घर जा रहे हो, वो भी धीरे धीरे सब क्योंकि सेवा में तुम्हारा कोई विश्वास नहीं। केवल आदेश आप मानो, किस लिए हुआ, क्यों हुआ, किस लाभ को दिलाने के लिए हुआ, जय गुरुदेव। उनकी ठीक है, सेवा चल रही है जी, बाबा ही सत्संग दे रहे हैं। रात को बात कीजिए, सत्संग में नहीं है। लाभ किसको मिलेगा, क्या पंडा पुजारियों को, कहते नहीं, क्या स्वासी धोबी राशियों को, मानी अपमानी कुमारियों को, कहते नहीं, ताला किसको मिलेगा। उन्होंने साफ इशारा किया है कि तीरथवर नेमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता, ये तीर्थों का तीरथ है, नेमिष पावन पवित्र है, जब ईश्वर साधक आएंगे, नाम की साधना करेंगे, उनको ही मतलब यानी इस भूमि का लाभ मिलेगा। यहाँ जितने भी आज तक आए सब पंडा पुजारी ही आए, सब शारीरिक स्वार्थ लोभ लालच और वो कर्जा और लाद दिया, उनको तो मालूम ही है नहीं कि हम कर्जा लाद रहे हैं, कि हमारे कर्म कैसे की अदायगी हो रही है, क्योंकि तुमने लिया और बदले में कुछ दिया नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास कोई कमाई नहीं, तुम्हारी बात परमार्थ की कोई कमाई नहीं, और परमार्थ की कमाई केवल समय के संत महापुरुषों ने साधकों को दिया। जब साधकों को ये चीज मिली और इस पर वो खड़े हो गए और उनको जब तो लाभ मिला तो लोग कहते ये लाभ तो हजारों वर्ष इन्होंने तपस्या की उनको भी नहीं मिला,
आप भूमि का लाभ उठा लो। जय गुरुदेव। पहली बात तो सत्यु अपर में जो नाम आए वो नाम काल शक्तियों के, दयाल शक्ति का कोई नाम नहीं था, इसलिए वो काल शक्तियों ने किसी पर दया नहीं की, किसी के पाप कर्म को गुनाह को माफ नहीं किया बल्कि सजा दिया। लेकिन ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर जब कोई साधक आएगा, संत महापुरुष अपने साधकों के लिए उस पर कोई यानी योजना कोई व्यवस्था कोई भूमिका बना देगा और लोग उस भूमिका के अंतर्गत जब परमात्मा की सेवा करेंगे तो उनको ये लाभ मिल जाएगा। आप कितने बड़े कितने विशाल जनमानस के लाभ पाने की योजना पूरी कर रहे हैं, इसे मिट्टी मत समझो। ये वो मिट्टी है जिस पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या करके इसको पावन पवित्र बनाया और आज तक इस भूमि का लाभ किसी ने लिया ही नहीं। वो तो साधक के लिए लिखा है और साधक कौन जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया। ऐसे नाम की साधना करने वाला जब कोई समरस माणिक इस भूमंडल पर आ गया और प्रेमियों को परमार्थ की सेवा में लगाएगा, ये लाभ उनको सहज में मिल जाएगा। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों इस नाम की महिमा। आज के लाइव प्रसारण को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव।